खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से है। कानपुर पंकी धाम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत यात्री सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। यहां पर ट्रेनों का ठहराव होगा। आसपास के शहरों की मेमो ट्रेन चलेगी, जबकि जूही के नए प्रस्तावित स्टेशन में ट्रेनों के चलने से सेंटर का लोड कम होगा। कानपुर में केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत पंकी धाम रेलवे स्टेशन को विकसित करने काम शुरू हो गया है। इसके विकसित हो जाने पर लोगों के सेंट्रल या गोविंदपुरी स्टेशन पर निर्भरता घट जाएगी। यहाँ पर 15 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा। यहीं से आसपास के जिलों के लिए भी मेमो ट्रेन चलेगी और टर्मिनेट होगी। इसके साथ ही जूही यार्ड में अब स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ कुल 4 प्लेटफॉर्म बनाए जाने की योजना है। जूही यार्ड में सेंट्रल स्टेशन के चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को शिफ्ट किया जाएगा। पंकी धाम रेलवे स्टेशन पर यात्री लोड बढ़ा। यहाँ पर श्रम शक्ति एक्सप्रेस समय 7 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव है। पंकी क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही और वहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए सेंट्रल स्टेशन या गोविंदपुरी आना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर अमृत भारत योजना के तहत यहाँ पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही, जिसके बाद ट्रेनों का ठहराव भी बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 30 करोड़ रुपए में काम होने हैं। पंकी धाम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत यात्री सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव होगा। आसपास के शहरों की मेमो ट्रेन चलेंगी, जबकि जूही के नए प्रस्तावित स्टेशन से ट्रेनों के चलने से सेंट्रल का लोड कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।